सो इंजीनियर्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग कैम्बर देते हैं तो कैम्बर का लेवल कितना होना चाहिए, और अगर कहीं पर टर्निंग आ जाती है तो सुपर एलिवेशन का लेवल कैसे देना है। आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आप डायरेक्टली आप लोग TCS ड्रॉइंग से ही निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट तक ये वीडियो देखना है और उसी के साथ साथ पेन और पेपर निकाल के जरूर रख लेना यार, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इंजीनियर, जैसा आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास एक TCS ड्राइंग है और यहाँ पर कैम्बर दिया हुआ है 2.5%, और उसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि सेंटर लाइन का हम लोगों को एलिवेशन दिया होता है कि जो FRL है वो हमारे सेंटर लाइन का कितना होगा, और हमें फाइंड आउट करना होता है कि आफ्टर कैम्बर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के लेवल्स क्या होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को कॉम्पैक्शन करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्लोप मेंटेन करना है। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कब, जब हमें वहां पर सुपर एलिवेशन देना होता है, तो उसके कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे आज ही हम लोग समझने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहां पर मेरे पास एक TCS ड्राइंग है जो कि देखने में एकदम फ्लेक्सिबल पेमेंट की है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को TCS ड्राइंग के बारे में डिटेल्स बता चुकी है, आई बटन में TCS ड्राइंग की डिटेल वीडियो आ चुकी होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ कैम्बर कैलकुलेशन और उसी के साथ साथ सुपर एलिवेशन का लेवल कैसे देना है। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि 2.5% का स्लोप है और यहां का FRL हमें दिया जाएगा। अगर मैं FRL शीट की बात करूं तो हमारा जो सेंटर लाइन है इसका FRL हमें दिया हुआ है 147.5 मीटर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहां पर हमारा स्लोप देने के बाद 2.5% का यहां का RL कितना होगा, उसी के साथ साथ यहां पर RL कितना होगा। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा कैलकुलेशन की तरफ। तो अब समझते हैं कैलकुलेशन के थ्रू। मैंने आप लोगों को बताया 147.5 मीटर हमारा FRL है। किसका FRL है हमारा, ये सेंटर लाइन का FRL है ना, सेंटर लाइन का FRL है। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि आफ्टर कैम्बर हम लोगों का RL कितना आएगा। कैम्बर कितना है हमारा, 2.5%। तो अब हम लोग एक छोटा सा TCS बना लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। हमारा कुछ TCS इस तरीके से है, इतना ट्राइंगल नहीं होता है ना रोड। तो सबसे पहले तो ये कितना है, 147.5 मीटर्स में है। उसी के साथ साथ अगर मैं रोड की बात करूं तो ये जो है हमारा कैरियज वे, ये है 7 मीटर का, ठीक है, ये है 7 मीटर का। उसके बाद जो हमारे शोल्डर्स हैं वो है पहला पेव्ड शोल्डर और उसके बाद है अर्थन शोल्डर। तो हमारा पेव्ड शोल्डर जो है वो है लगभग 1500 mm का, और उसी के साथ साथ हमारा अर्थन शोल्डर है कुछ 1000 mm का। और यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा 2.5% का स्लोप है। तो हमारा जो पेव्ड शोल्डर है ये है 1500 mm का, और जो हमारा अर्थन शोल्डर है ये है 1000 mm का। और अर्थन शोल्डर के लिए अलग से कैम्बर दिया गया है 3%। अब ये जो 2.5% है वो यहां तक आने वाला है, यहां तक पूरा, ठीक है। तो हम लोग इसे इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, और ये जो हाफ पार्ट है ये तो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कैसे करें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस पॉइंट का RL क्या होगा, इस पॉइंट का RL कितना होने वाला है। जब यहां पर RL है 147.5 मीटर्स, तो यहां का RL कितना रहेगा, कैसे कैलकुलेट करें, हम लोगों को क्या करना होगा। जैसे कि ये दिख रहा है मुझे 7 मीटर, तो ये 7 मीटर यहां से लेकर यहां तक है पूरा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है ये 7 मीटर है, तो अब ये 7 मीटर कहां से है, ये 7 मीटर यहां से लेके यहां तक है, और उसी के साथ साथ यहां पर पेव्ड शोल्डर भी है। तो पेव्ड शोल्डर मतलब क्या होता है, पेव्ड शोल्डर मतलब होता है कि जिस पेवमेंट से हमारा कैरियज वे बना है, अगर उसी पेवमेंट से हमारा शोल्डर बने तो उसे कहा जाता है पेव्ड शोल्डर। तो जब इसी पेवमेंट से बना है तो यहां तक स्लोप आने वाला है पूरा, ये जो स्लोप है एंड टू एंड यहां तक आने वाला है, मतलब 7 मीटर का आधार 3.5, और ये कितना हो गया 1500, मतलब कि क्या होगा 3.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ये टोटल अगर हम करें तो 5 मीटर्स, मतलब कि ये जो एक स्लोप वाला पोर्शन है ये है 5 मीटर का। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 5 मीटर्स इनटू कितना करना होगा हमें, 2.5% आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखिए 5 × 2.5 का परसेंटेज साइन। आंसर कितना आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आंसर अगर आप लोगों का भी 0.125 आया है तो एकदम सही है। ये इससे हम लोग क्या करें, तो ये क्या आया है, इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट 0.125 इतना डाउन में रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो अगला काम है वो ये है, उसे मैं यहां सॉल्व करता हूं। हमें ये RL पता था, ये RL निकालना था, अब हम क्या करेंगे, 147.5 माइनस कर देंगे 0.125 से,
अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो अगर आप लोगों का भी आंसर 147.375 आया है तो एकदम सही है, मतलब यहाँ का आरएल कितना हो जाएगा, यहाँ का आरएल जो हमें फाइंड आउट करना था वो था 147.375, इतना यहाँ का आरएल आ जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ का आरएल कितना आएगा, अगर यहाँ का आरएल है 147.375 तो यहाँ का आरएल कितना होगा। तो अब सेम मेथड हमें दोहरानी होगी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, एक मीटर है तो हमें करना होगा 1 × 3% तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा 0.03 meters, मीटर्स में आएगा। अभी हम लोग अगर एमएम में करेंगे तो एमएम में आंसर इसका कितना आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, यहाँ का आरएल निकालने के लिए हम इस आरएल से माइनस करेंगे या इस आरएल से माइनस करेंगे बताइए, इस आरएल से माइनस करेंगे ना, क्योंकि अब इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है, डाउन जाना है, इस पॉइंट से यहां तक आए हम, अब इसके बाद यहां से हम डाउन जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 147.375 यही आया था माइनस 0.03, तो कितना आएगा 30 mm कम हो जाएगा ना, 147.345, ये हो गया हमारा यहां का आरएल। यहां का आरएल कितना लिखेंगे अब हम लोग, 147.345 meters। तो इस तरीके से हम लोगों को तीन आरएल मिल गए, सेंटर लाइन का भी आरएल मिल गया, हम लोगों को पेव्ड शोल्डर के एंड का भी आरएल मिल गया और अर्थन शोल्डर के एंड का भी आरएल मिल गया। इसी तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं आरएल। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई नहीं बताने वाला, आप लोगों को सिर्फ एक ही आरएल मिलेगा जो कि एफआरएल दिया जाएगा आप लोगों को, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन का होता है। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो समझ में आ गया अगर कैम्बर आया तो, अगर सुपर एलिवेशन आया तो हम लोग इसे अप कैसे करेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सुपर एलिवेशन वाला केस लेके देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्हीकल कोई एक टर्निंग से टर्न लेती है तब वहां जाकर उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है और वो ओवरटर्न हो जाती है, मतलब पलट सकती है, इसलिए हम लोग वो पर्टिकुलर एज में जहां पर टर्निंग है वहां से उसे लिफ्ट कर देते हैं। तो वहां क्या होता है कि आप लोग कुछ इस तरीके से, मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर कुछ इस तरीके से टर्न है तो जब व्हीकल यहां से आ रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ने के बाद स्पीड के कारण वो व्हीकल यहां से पलट सके। आप लोगों ने देखा होगा जो रेसिंग ट्रैक होते हैं वो एक कॉर्नर से उठे हुए होते हैं, किस तरीके से मैं आप लोगों को अब सेक्शन के थ्रू समझाता हूं, कुछ इस तरीके से। तो ये जो लिफ्ट है इस लिफ्ट को कहा जाता है सुपर एलिवेशन, इस लिफ्ट को क्या कहा जाता है सुपर एलिवेशन। तो ये सुपर एलिवेशन में हम लोग कैसे कैम्बर मेंटेन करेंगे ये समझते हैं। इसमें भी आप लोगों को सेंटर का ही दिया गया होगा, सेंटर का ही आप लोगों को एफआरएल दिया गया होगा, सेंटर का ही एफआरएल दिया गया होगा। हम लोग समझते हैं कि इसका एफआरएल है 151.25 meters, ये इसका एफआरएल है और आप लोगों की ड्राइंग में मेंशन रहेगा कि जो हमारा सुपर एलिवेशन है उसमें प्लस में कैम्बर क्या है और माइनस में कैम्बर क्या है। तो अगर आप लोगों को प्लस कैम्बर दिखाई दे 2.5% तो आप लोगों को जो सुपर एलिवेशन है वो पॉजिटिव में दिया गया रहेगा। कितना दे सकता है, हो सकता है 6% दे दे, कुछ भी दे सकता है, रोड की कंडीशन के ऊपर टर्न के ऊपर डिपेंड है कि कितना हम लोगों को परसेंटेज दिया जाएगा, 6% दिया जा सकता है और जो हमारा स्लोप है वो भी दिया जा सकता है 3% का, कुछ भी हो सकता है और ये माइनस में रहेगा। तो अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई दे कि प्लस और माइनस तो आप लोगों को समझ जाना है, अगर प्लस है तो 110% वहां पर सुपर एलिवेशन है। तो अब मुझे बताइए क्या इसका परसेंटेज आप लोग नहीं निकाल सकते। देखिए बहुत इजी है, सेम प्रोसेस रहेगी, बस आप लोगों को पता करना है विड्थ की कितनी है यहां तक। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अभी डायरेक्टली हम उस ड्राइंग के थ्रू नहीं जा रहे, एक एग्जांपल से समझते इसे कि ये जो हमारी टोटल विड्थ है ये विड्थ है हमारी 12 मीटर की, समझ लेते हैं हम लोग 12 मीटर की, ठीक है 12 मीटर की विड्थ है। तो ये सेंटर से कितना हो जाएगा इस कॉर्नर में 6 meters, ऑब्वियसली 6 × कितना करना पड़ेगा 6%, तो 6 × 6% आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ये है 0.36, मतलब कि 360
mm हमें लिफ्ट करना पड़ेगा हमारा पेमेंट, तब जाके हमारा सुपर एलिवेशन बनेगा। इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। होप करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी चीज डिटेल में क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों को कैसा भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ जो टॉपिक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। जाते जाते कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।